वेलकम टू एस जी इंसेप्शन योर एक्वेरियम चैनल। राइट नाउ आई एम एट थाने और आपके सामने है शेट्टी पेट शॉप। ये पेट शॉप जो है वो लोकेटेड है माँ लक्ष्मी वसंत लीला कॉम्प्लेक्स एट वाघबिल रोड। दिस इज़ द थाने ब्रांच ऑफ शेट्टी पेट पैराडाइज। और कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको इनका दादर का ब्रांच दिखाया था, तो इनके शॉप का थाने ब्रांच का वीडियो शॉप टूर मैं लेकर आऊँगा बहुत जल्द। बट आज मैं शूट कर रहा हूँ बबल्स एंड ट्रबल्स के कुछ प्रोडक्ट्स जो आपको हम दिखाएंगे इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। The three essential medicines that we are showing you in today's video are Bubbles and Troubles, Dewormer, Metrocare, Hexametaid and Garlicaid. So I am with the main distributor for Bubbles and Troubles brand. Here is Mr. Santosh Shetty. Hi sir, how are you doing? I'm fine. How are you? I'm fine as well. तो इस वीडियो में हम लोग तीन से चार essential medicines के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो में क्या बताओगे आप, शॉर्ट में कुछ बताना चाहेंगे? बेसिकली अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो कवर किया था क्लियर डिस्प्ले और जो जनरल हेड, फंगल हेड और बैक्टीरिया कंट्रोल जो भी मेडिसिन जो एक्सटर्नल के लिए थे। अभी मैं कवर कर रहा हूँ इंटरनल पैरासाइट्स, इंटरनल पैथोजेंस और जो भी छोटे मोटे जो इंटरनल इश्यूज होते हैं जैसे कि एग्जामिटाइड, इसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। तो बबल्स एंड ट्रबल्स का जो मेन अभी जो मेडिसिन है डीवॉर्मर, मेट्रोकेयर एंड एग्जामिटाइड, ये सब इंटरनल पैरासाइट्स के लिए, तो इसके बारे में मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा। सो क्या बताना चाहेंगे सबसे पहले मेडिसिन के बारे में? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ मेट्रोकेयर के बारे में, लेकिन मेट्रोकेयर के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग को ये मेडिसिन यूज क्यों करना है। इसका दो पार्ट है, एक एज अ प्रिकॉशन भी यूज कर सकते हो और एक बार डिजीज हुआ उसके बाद भी आपको यूज करना है। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो फिश पालते हैं कैप्टिव में पालते हैं, तो कैप्टिव में क्या होता है कंटिन्यूस इसके अंदर बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव होते रहता है और कभी ना कभी कोई भी फिश होंगे। मैं बेसिकली डिस्कस के बारे में बात करता हूँ कि मैं डिस्कस ब्रीडर हूँ, लेकिन हर मच्छी के पेट में पैथोजेंस रहते हैं। जब मच्छी स्ट्रेस में आता है या कुछ हो जाता है तो ये जो पैथोजेंस रहते हैं, जो पैरासाइट रहते हैं, फिश के गट में रहते हैं, तो एक लिमिटेड क्वांटिटी या एक लेवल तक फिश को प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब मच्छी कभी स्ट्रेस में आ जाती है या मच्छी को कुछ फूड अटक जाता है या मच्छी खाना नहीं खाता गट हो, तो उस टाइम पे या टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है तो ये जो पैरासाइट होता है इसकी तादाद बढ़ जाती है और फिश खाना छोड़ देती है। वो जनरली आप देखोगे डिस्कस में ये एक कॉर्नर में जाके बैठेगी, खाना नहीं खाएगी, काला हो जाएगी और वो व्हाइट शिट करना चालू कर देती है। तो ऐसे केस में आपको ये मेट्रोकेयर यूज करना है। तो इसमें आप दो प्रकार से यूज कर सकते हो, एक एज अ प्रिकॉशन अगर आप एवरी वीक उनको खाने में सोक करके देते हो एज अ प्रिकॉशन, तो ये नौबत आपको आएगी नहीं कि मच्छी आपका कॉर्नर पकड़ रहा है या व्हाइट शीट कर रहा है। लेकिन एक बार अगर वो खाना खाना बंद कर दिया और वो व्हाइट शीट करना चालू कर रहा है तो उस वक्त आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको उसको पानी में डालना ही है। तो इसका जो डोज है ये आपको डोज देना है 5 ml पर 90 liters, मतलब इसका 10 ml 180 liters ट्रीट करता है। ये कब, जब मच्छी खाना नहीं खा रही है। उस वक्त क्या होगा, जब मच्छी खाना नहीं खा रही है तो नेचुरली इसको स्किन के थ्रू ही वो बॉडी के थ्रू पास होगा, तो उस वक्त आपको ये पानी में डालना है। और एज अ प्रिकॉशन, मतलब बोलते ना कि होने से पहले ही हम लोग उसको अगर उसका गट क्लीन करते और मेंटेन करते हैं तो ये नौबत ही नहीं आती है, तब आप खाने में डाल के दे सकते। तो कैसे खिलाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उनको पीरियडिक मेंटेनेंस करो, मैं हर वीक एवरी सैटरडे इनको मेट्रोकेयर का डोज। अभी कितना डोसेज है? ये मैंने जस्ट इसमें डाला है क्योंकि अभी मैं पानी में नहीं डाल रहा हूँ। अच्छा। मैं सिर्फ सोक कर रहा हूँ। तो क्योंकि अगर पेट में अगर ये जाएगा तो इससे बेटर कोई नहीं है। क्योंकि देखो कोई भी मेडिसिन पानी में जाएगा तो थोड़ा बहुत उसका पावर कम होता है, लेकिन ये कैरियर बेस्ड मेडिसिन है, ये स्किन के थ्रू जा रहा है हमारा। लेकिन अभी मेरी मच्छी खा रही है, मैं भी रेगुलर मेंटेनेंस कर रहा हूँ, मतलब मेरे को जो नौबत नहीं आना चाहिए व्हाइट शीट का। तो रेगुलर खाना में देने से इनका टमी भी ठीक होता है और छोटे मोटे पैथोजन जो रहते हैं वो कंट्रोल में रहते हैं। अभी मैंने इनको ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वर्म से उसमें सोक किया है कम्प्लीटली, अभी मैं इनको खिलाऊंगा। सो आप देख सकते हैं इनकी फीडिंग। सो आपने ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वर्म्स में इसको दिखाया, सो क्या हम लोग पैलेट्स के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं? हाँ जी, आप पैलेट्स के साथ भी यूज कर सकते हो, आप कोई भी ड्राई फूड के साथ यूज कर सकते हो। ओके, और आप एनिमल हार्ट के साथ भी
मिक्स कर सकते हो, लेकिन वो इंस्टेंट होना चाहिए. मतलब जब जब दे रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि मेट्रो केयर जो है जी, कोई भी ये मेडिसिन है 8 आवर्स के बाद इसका लाइफ खत्म हो जाता है. तो आप अगर आप हम लोग अगर पानी में भी डालते हैं इसको जी, तो 8 आवर्स तक ही इसका पावर रहता है. उसके बाद वो मतलब उसका कुछ पानी में मेडिसिन का कुछ इफेक्ट नहीं रहता. आप क्या रिकमेंड करोगे, कितने टाइम वीक में करें इसे? यूजली हफ्ते में एक बार मैं करता हूँ. एवरी वीक मैं इनको मैं तो एवरी सैटरडे करता हूँ. तो इनको फूड में मिक्स करके देता हूँ. तो क्या होता है, उनका जो वीकली मेंटेनेंस, उनका गट क्लीन रहता है. तो उनको मतलब रेगुलर बेस पे इनके पेट के अंदर से जो पैथोजेंस रहते हैं वो क्लियर आउट होते हैं. और मैं जो फूड दे रहा हूँ उसमें प्रोबायोटिक है. तो जो जाते नहीं आते, लेकिन वो बेसिक इसमें क्या जो उनकी मेंटेन, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ही आपका पेट का बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा. एकदम खत्म हो गया तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कल फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे. लेकिन ज्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे बेसिकली हमको मेंटेन करना है. राइट. तो अगर आप प्रॉपरली उसको मेंटेन करते वीकली, उनका टमी वॉश करते हो जी, तो आपके फिश को इंटरनल इश्यूज कभी होगा नहीं. राइट. सो संतोष सर, मुझे बहुत सारे हमारे व्यूवर्स जो है वो काफ़ी टाइम ऐसे मैसेज कर रहे थे कि हमारे फिश के हेड के ऊपर एक होल हुआ है, एक छेद हुआ है, उसे कैसे ठीक करें. कभी कभी बोले कि उनको ऐसा लगता है कि उसमें से वर्म्स बाहर आ रहे हैं. तो मुझे फोटोग्राफ्स भी ऐसे कई सारे मिले हैं इंस्टाग्राम पे, DMs मिले. तो ये समझाइए, ये होल जो होता है, छेद होता है फिश के अंदर, मोस्टली देखा जाता है जिनके हेड्स होते हैं उनको होता है, फ्लावरॉन्स, गुरामीज या डिस्कस. तो बताइए कि ये क्या डिजीज होता है, और ये सच में कोई हेल्थ कंडीशन है, और क्या ये हम प्रिकॉशन इसका ले सकते हैं, और इसको ट्रीट कैसे करें. वही प्रोडक्ट आपके सामने, बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट आप बबल्स एंड ट्रबल्स के थ्रू लेकर आए हो, उसके बारे में क्या बताएंगे आप हमको? ये जो प्रोडक्ट है एक्सामिटा हेड है, ये एज अ प्रिकॉशन आप दे नहीं सकते. ये जब ये ट्रीटमेंट के लिए, ये प्रॉपर मेडिसिन है. प्रिकॉशन के लिए हम लोग मेट्रो केयर दे सकते हैं. अगर हम लोग मेट्रो केयर देते रहते हैं रेगुलर बेस पे एज अ मेंटेनेंस, तो ये नौबत नहीं आती है मेडिसिन की. एक्सामिटा एक ऐसा पैरासाइट है जो फिश के स्किन से बाहर आता है. यूजली हेड से आता है, स्किन के कोई से पार्ट से वो बाहर आएगा, क्योंकि वो पेट में से उनके मुंह से नहीं निकलेगा, ये हेड में से आता है. तो यूजली होता क्या है, डिस्कस के या कोई भी फ्लावरन हो गया, कोई भी मच्छी, गोल्ड फिश हो गया, कोई भी फिश हो, उसको आप में आपको दिखेंगे कि उनके सर पे छोटे छोटे होल हुए. उसके हम लोग वीडियोज आपको दिखाते ये बीच में कि एक्सामिटा होता क्या है. तो ऐसे केस में इसको सिर्फ एक बार एक्सामिटा हो गया तो आपको एक ही दवा बचा सकती है, एक्सामिटाइड. इसका जो मेथड है यूज करने का, ये है कि आपको फर्स्ट डे अगर आपका 100 लीटर्स का टैंक है, तो आपको बेसिकली इसको फीड नहीं करना है, 50% वाटर चेंज करना है. आपको 100 लीटर्स में फर्स्ट डे 1 ml डालना है. ओके. फिर उसको उस दिन फीड नहीं करना है. सेकेंड डे 50% वाटर चेंज करना है, वापिस वाटर टॉपअप करना है 100 ml, वापिस आपको वो 1 ml डालना है. ऐसे करके आपको 5 दिन ये कोर्स करना है विदाउट फीडिंग. हर रोज आपको 50% वाटर चेंज करना है, नया पानी डालना है, और हाफ डोज डालते रहना है. 7th डे पे इसको आपको 100% वाटर साइफन करना है, 90% तो वाटर साइफन करके नया पानी डाल के फिर आप इसको फीडिंग दे सकते हैं. आपको एक चीज ध्यान देना है, जब भी मेडिकेशन आपका चालू है आपको फीडिंग नहीं करना है, ये आप ध्यान रहे. 7 डेज के अंदर आपका एक्सामिटा, यूजली हम लोग 7 डेज बोलते हैं, लेकिन तीसरे चौथे दिन ही आपको इसका इफेक्ट दिखने को चालू हो जाएगा. लेकिन आप कोर्स पूरा कीजिए एक्सामिटा का, मतलब 7 डेज का, तो ये आपका डिजीज क्योर हो जाएगा. और आपको रेफरेंस के लिए हम लोग वीडियो दिखाते हैं कि एक्सामिटा होता कैसा है और वो क्योर कैसे होता है. यर इज थर्ड एक्वेरियम एसेंशियल, इस प्रोडक्ट का नाम है बबल्स एंड ट्रबल्स का गार्लिक एड. इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमको? ये गार्लिक एड है, ये गार्लिक के एक्सट्रैक्ट है. गार्लिक जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एनिमल हार्ट में भी मिक्स करते हैं और एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं हम लोग, कुछ भी अगर एनिमल हार्ट बनाने के टाइम पे यूज करते हैं. और सेकेंडली ये पैरासाइट्स को भी मारता है. ओके. तो एक नेचुरल तरीके से
हम लोग इसको, मैं इसको इनको वीक में एक बार जैसे मेट्रोकोर देता हूँ वैसे वीक में एक बार एक खाने में सोक करके इनको खिलाता हूँ। एक नेचुरल तरीके से फिश का जो बोलता है एक जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका वो अच्छे से ख्याल रखता है। गार्लिक मतलब आप कभी भी रिसर्च किए, गार्लिक जो है वो बहुत काम की चीज़ है इवन फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। राइट, तो फिश के लिए भी एक नेचुरल तरीके से इसमें गार्लिक के एक्सट्रैक्ट्स है तो आप इसमें खाने में सोक करके आप दे सकते हो। ये भी आपके फिश का डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने में काफ़ी मदद देता है। तो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें कुछ हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, कुछ नहीं है। ये एज अ प्रिकॉशन, मैं जैसे कि बोला है कुछ मेडिसिन नहीं है, एज अ प्रिकॉशन उनका डाइजेस्टिव सिस्टम और उनका गट क्लीन रखने के लिए है। तो एक अच्छी चीज़ है जो मैं अपने एनिमल हार्ट जो मिक्स बनाता हूँ मैं, तो उसमें मैं एक गार्लिक एड डायरेक्टली 5 ml यूज करता हूँ 1 kg में। तो जो आजकल एनिमल आर्ट फीड करते हैं, एनिमल आर्ट बनाते हैं, तो उनको जो गार्लिक का पेस्ट बनाना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है, और वो बराबर फूड में मिक्स नहीं होता। तो ये क्या है, एक एक्स्ट्रैक्ट है और काफ़ी स्ट्रांग है ये, तो आप ये आपके एनिमल हार्ट में भी यूज कर सकते हो और ये फूड में सोक करके भी दे सकते हो। तो एक अच्छे तरीके से जैसे छोटे मोटे बच्चों के गप्पी हो गया उनको हार्मफुल मेडिसिन देने से अच्छा आप गार्लिक एड अगर रेगुलर बेस पे देते हैं तो भी आपका फिश का डाइजेस्टिव सिस्टम काफी अच्छा रहता है और फिश भी हेल्दी रहता है। बहुत से लोग बोलते रहते हैं कि फिश की डीवर्मिंग कैसे करें, स्पेशली जो फ्लावर ऑन कीपर्स है वो बहुत पूछते रहते हैं कि डीवर्मिंग कैसे करें, किस तरह से करें। वैसे तो ये जो आपका बबल्स एंड ट्रबल्स का प्रोडक्ट है डीवर्मर, इसके बारे में ऑलरेडी हमने फर्स्ट वीडियो में बताया है, आपने इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी है पहले वीडियो में, पर शॉर्ट में जिन्होंने मिस किया रहेगा उनको बताना चाहेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में। आपको एक मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि डीवॉर्मिंग एक अलग चीज़ है और मेट्रोकेयर जो हमने दिया एक अलग, टोटली अलग है, ठीक है। डीवॉर्मर इज फॉर वर्म्स, वर्म्स होगा तो टेप वर्म हो गया, एंकर वर्म हो गया, अल्गरस हो गया, जो भी वर्म्स रहते हैं उनके लिए। तो इनका जो है हम लोग, ये कोई डिजीज के लिए नहीं है, ओके। तो हम लोग को रेगुलर वन एंड जैसे मेट्रोकेयर में वीकली देता हूँ गट क्लीन करने के जी। ये जो है वर्म्स, ये इनके इंटेस्टाइन में, इनके कोई भी ऑर्गन में चिपक सकते हैं, ओके, लीवर में या किधर भी। तो ये जो वर्म्स रहते हैं, ये जब इनके पेट में रहते हैं तो फिश खाना खाती है, उल्टा ज्यादा खाना खाएगी जी। वायरस जब पैथोजेंस रहते हैं या पैरासाइट्स रहते हैं, फिश खाना खाने को बंद करती है क्योंकि वो गट के अंदर रहता है जी। तो दोनों में डिफरेंस है। तो ये जो होता है इसमें ये होता है कि आपका फिश खाना तो खाती है लेकिन फिश का ग्रोथ नहीं होता है, फिश स्टंट हो जाती है, तो फिश सूखने को चालू हो जाती है। तो क्या होता है, जो भी आपका जो न्यूट्रिशन रहता है, जो भी आप फूड खिला रहे हो, वो वर्म्स खाते रहता है। तो रेगुलर बेस पे इनको एवरी 1.5 month में आपको डीवॉर्मिंग करना चाहिए कोई भी फिश को। तो उससे क्या होता है, ये जो वर्म्स जो रहते हैं इनके गट में से क्लियर होते जाते हैं और आपका फिश का जो ग्रोथ का साइकिल रहता है या जो स्टंटेड फिश है वो प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आप डीवॉर्मिंग नहीं करोगे तो आगे जाके फिश शायद उनका ऑर्गन फेल हो सकता है और उसके बाद कोई मेडिसिन उसको क्योर नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार ऑर्गन फेल हो गया, उसका लीवर गया या उसका इंटेस्टाइन ये हो गया, तो उसके बाद कोई मेडिसिन नहीं कर सकता, इसलिए आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो डीवॉर्मर इज बेसिकली फॉर वर्म्स, आपको एवरी 45 days में ये रिपीट करना पड़ेगा और ये मेंटेनेंस है, दिस इज नॉट टू क्योर द डिजीज। डिजीज कब होता है, एक बार हम लोग मेंटेन नहीं किया और वो एक स्टेज पे चला गया तो फिर वो डिजीज हो जाता है, और रेगुलरली मेंटेन करते तो डिजीज की नौबत ही नहीं आएगी। तो डीवॉर्मर इज फॉर वर्म्स, मेट्रोकेयर इज फॉर पैरासाइट्स एंड पैथोजेंस। सो ये जो बॉटल्स है कितने ml के है, क्या बता सकते हैं हमको? डीवॉर्मर जो है हमारे पास 30 ml में है, 100 ml में है और 500 ml में है। एग्जामिटा हमारे पास अभी सिर्फ 30 ml में है, मेट्रोकेयर 100 ml और 500 ml में, और गार्लिक एड सिर्फ 100 ml में। ओके, तो आज के वीडियो में आपने जितने भी इन्फॉर्मेशन दी मेडिसिंस के बारे में और जो हेल्थ कंडीशंस होती है फिश को, उसे ट्रीट कैसे किया जाए प्रिवेंशन के लिए और क्योर के लिए आपने मेडिसिंस बताए हमको। मैं आशा करता हूँ कि हमारे सारे व्यूवर्स को ये जानकारी यूज़फुल लगी होगी, एंड ये ज़रूर जब भी हम ऐसे आशा करते हैं कि उनको ज़रूरत तो ना पड़े इसकी, बट अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो ये ज़रूर इन मेडिसिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्यूचर में कौन से प्रोडक्ट्स हम कवर करेंगे, क्या बताना चाहेंगे, और रेस्ट वीडियोस हमारे कौन से पेंडिंग है उसके बारे में? अभी
अभी तो हम लोग ने ऑलमोस्ट अपने जितने भी मेडिसिन है वो कवर अप कर चुके हैं। अभी फ्यूचर में हमारा जो फूड प्रोडक्ट्स है तो अपना बाल्टीमैट्स बिट्स है, बाल्टीमैट्स ग्रब्स है और अपना जो बाल्टीमैट्स स्ट्रीम्स है इसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे और जो अपना एसेंशियल सॉल्ट है जी उसके बारे में भी हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि वो TDS का जो अपना एक चैप्टर था जो मुझे कवर करना था उसमें एसेंशियल्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। अच्छा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो कवर करते हैं। ऑलराइट, इट वाज अ नाइस इंटरेक्शन विद यू, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।